भिंडी को पहले अच्छे से वॉश कर दीजिए। अब मैंने भिंडी को सुखाया है इस पे टिश्यू पेपर पे, थोड़ा सा और सुखाती हूँ मैं, इसका पूरा मॉइस्चर निकलना चाहिए। नाइफ को और ये जो बोर्ड होता है कटिंग बोर्ड, उसको ऑयल लगा के रखिए इस सरफेस को, एंड देन लॉन्ग लॉन्ग आप कीजिए, लॉन्ग लॉन्ग काटिए। अगर एक खराब है, कुछ काला है तो निकाल दीजिए, एंड ऐसे आधा कीजिए और फिर ऐसे आधा कीजिए। अभी समझो ये मोटा है तो इसको और तीन में कीजिए, मतलब ऐसे होना चाहिए क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे नमक लिया है, रेड चिली पाउडर लिया और अजवाइन लिया है, ये कैरम सीड लिया है। अब ये मैं उसमें मिक्स करूँगी और मैरिनेट करेंगे पहले उसको। और मेरे पास है चना आटा एक कटोरी, और 1/4 कप मेरे पास ये चावल का आटा है। और बाद में लास्ट में हम इससे सीजनिंग करेंगे। ये है चाट मसाला, दिस इज़ गार्लिक पाउडर एंड ये गरम मसाला। बात ध्यान में रखिए, अगर आपको ज़्यादा भी भिंडी बनानी है, जैसे अभी मैंने बहुत सारी भिंडी ली है, मगर इसको बल्क में नहीं बनाना है, आपको थोड़ी थोड़ी लेके बनाना है क्योंकि हमें इसको सबको मैरिनेशन करना है। तो अब पहले हम इसमें सॉल्ट, अजवाइन और रेड चिली पाउडर डालेंगे क्योंकि इसको ये पहले अच्छे से लगनी चाहिए, तो ये टेस्ट आएगा। और इसको हाथों से कीजिए, इसको अच्छे से लगना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करके। तो हल्का सा इसमें चना आटा डालूंगी और इसको भी अच्छे से पहले, चने आटे से क्या होगा मसाला चिपक जाएगा, एक बार अच्छे से ड्राई कोटिंग कर दीजिए इसकी। वेन यू टच आपको पता चलेगा कि मॉइस्चर है क्या नहीं, उस हिसाब से आप थोड़ा और ज़्यादा कम डाल सकते हैं चना आटा। अभी मेरे पास ये चावल का आटा है, थोड़ा चावल का आटा डालूंगी। अब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन ले गए और चावल का आटा, चावल का आटा इसको क्रिस्पी बनाएगा। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी हाथों से लीजिए ताकि वो ज़्यादा गिरे नहीं। और ये अभी थोड़ा सा बेसन का ये बैटर जैसा इसको लग जाएगा, तो हमें भी ऐसे ही चाहिए। आप देख सकते हैं अभी ये चिपक रही है, पकौड़ी की तरह ही चिपक रही है। अभी ये फ्राई करने के लिए रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें तेल, गर्म ही होना चाहिए। तो जैसे आप डालेंगे वो अच्छे से फ्राई होती जाएगी। और मेक श्योर करें कि इसको अलग अलग डालें, एक साथ नहीं डालें। तो जल्दी भी फ्राई हो जाएगी और कुरकुरे भी हो जाएगी। गैस को लो टू मीडियम रखिए
एक बार तेल अच्छा गर्म हो जाए मैंने पलट लिया है। मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, गरम पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला। एंजॉय क्रिस्पी भिंडी फ्राई। देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।